खबर मॉर्डिनगंज आजमगढ़ से, जहां शुक्रवार को वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने मॉर्डिनगंज तहसील पहुंचकर प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम 10 सूत्री ज्ञापन उपजिलाधिकारी मॉर्डिनगंज के माध्यम से दिया। इस कार्यक्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPM CPI माले के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर CPI आजमगढ़ जिला मंत्री कॉमरेड जितेंद्र हरि पांडे एडवोकेट ने कहा कि प्रदेश और देश की भाजपा सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल रही है। इस सरकार की सोच के चलते संविधान और लोकतंत्र के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, लोकतांत्रिक आवास को दबाया जा रहा है। महीने भर से अधिवक्ता पूरे प्रदेश में हड़ताल पर है, उनकी न्यायोचित मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जो भय भूख भ्रष्टाचार और न्याय की बात कर रहा है उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। इन सवालों को लेकर वामपंथी दल 11 अक्टूबर को लखनऊ में एक विशाल रैली करेंगे। माकपा जिला मंत्री राम जन्म यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ वामपंथी दल जिले की सभी तहसीलों पर जन जागरण करते हुए धरना प्रदर्शन कर लखनऊ रैली की तैयारी में लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। भाकपा माले के नेता कॉमरेड वसंत ने कहा कि देश और प्रदेश की गरीब जनता की खुशहाली और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि हम वामपंथी जनवादी ताकतों को मजबूत कर भाजपा को हर हाल में सत्ता से हटाएंगे। इस अवसर पर खरपत्तू राजभर, दुर्बली राम, मखड़ू राजभर, उमेश चौधरी, पंचदेव राही, लाल बहादुर चौरसिया, शंकर सुबेदार आदि लोग उपस्थित रहे। नारा दिया संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और भाजपा हटाओ। ये तीन नारे के तहत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वामपंथी दल आंदोलन कर रहे हैं, जनता के बीच में गांव-गांव में जाकर के सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध जो गैस आपको 400 में मिलती थी 1200 कर दी गई, 200 घटा दी गई है। फतेहपुर माइनर श्रीमान, उसमें कभी पन्नी नहीं समय के अनुसार ठीक ठीक।